जब चुनाव चुनाव नजदीक आया तो बहनें याद आ गईं। अच्छा। और जीजा जी याद नहीं आ रहा किसी को। मोदी जी आए थे भोपाल में, उन्होंने क्या बोला, रानी दुर्गावती कमलावती स्टेशन कहाँ है भोपाल में, पूरे मध्य पूर्व इंडिया में कहाँ है स्टेशन बताइए, स्टेशन ही नहीं है। बताइए रानी दुर्गावती स्टेशन कहाँ पे है। इस बार तो सभी लोगों ने मन बना लिया कि इस बार शिवराज को छोड़ के कमलनाथ को पकड़ेंगे। बोले मोदी जी 24 घंटे काम करते, कभी 365 दिन एक छुट्टी मिली, प्रधानमंत्री को छुट्टी देता कौन है। आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं आप बताइए किस प्रधानमंत्री की एक दिन की छुट्टी है। मोदी जी अपने भाषा पिछले भाषा हर भाषा खुद ही देख ले तो खुद को ही वोट नहीं देंगे। अच्छा, एक बार सबसे पूछ रहे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं कि कांग्रेस या भाजपा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हम लोग मौजूद हैं, ये विधानसभा है महाराजपुर। आप सभी लोग बेहतर जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत नज़दीक हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुना था, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वो सरकार 18 दिन में ढह गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ कुछ विधायकों को लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई। लेकिन 2023 में आलम यह है कि जो विधायक सिंधिया के साथ गए थे वापस लौट कर दोबारा से कांग्रेस में आ रहे हैं, और आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार रही है, उनको विधायकी का चुनाव लड़वा रही है। हमारे साथ यहाँ महाराजपुर की जनता, छतरपुर की जनता मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता क्या चाह रही है, किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है, कांग्रेस की सरकार से कितना खुश और कितना नाखुश है। क्या नाम भाई साहब का? मथुरा प्रसाद। क्या इस बार माहौल लग रहा है, भाजपा कामकाज कैसा रहा शिवराज सिंह चौहान? कांग्रेस को वोट देंगे। भाजपा काम बढ़िया नहीं लगा? हाँ, भाजपा इतना बढ़िया काम कर रही है, बोलती युवाओं के हित ऐसी हैं, मोदी जी बोलते हैं गरीबों के हित ऐसी हैं। हमने नहीं देखा वहाँ, नहीं हो। क्यों इतना नाराज है भाजपा से? इसे खाद कूड़ा चाहे ऊना मिले कछु मिला थो, सब कछु बढ़ा के मिलती नहीं है। मेरे पहले एक ग्रोराती चार्ज इतनी भी ना ले लो 15 साल पहले। तो कब की बार? कमलनाथ तो भरोसा है, लोग बोलते हैं उम्र हो गई है कमलनाथ की। कमलनाथ की भरोसा है, उम्र नहीं हुई कमलनाथ की अभी। क्या भैया भाजपा का कामकाज कैसा लगा? भाजपा का काम आप देख रही है, महंगाई चरम पे है। महंगाई चरम पे है, एकदम भ्रष्टाखोरी है। भाजपा वाले तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार थी ना, महंगाई कम नहीं की है क्या? मोदी जी अपने भाषा पिछले भाषा हर भाषा खुद ही देख ले तो खुद को ही वोट नहीं देंगे। अच्छा, बिल्कुल। वहाँ पे कर्नाटक में कहते पहले क्या बोलते थे, वोट डालने जाओ अपने घर का सिलेंडर देखो, उसको देखने के बाद वोट डालू। अच्छा। आवाज देख लेगा, खुद ही देख ले तो खुद ही वोट नहीं देंगे। 200 रुपए कम किए, 200 रुपए 450 का सिलेंडर था कांग्रेस सरकार में, 1100 रुपए बढ़ाए किसने, उनकी सरकार ने 200 रुपए कम कर दिए। वो क्यों कम कर दिए? आज चुनाव है। अच्छा। उनको दिख रहा है कि सरकार जा रही है, ठीक है, इसके पहले क्यों नहीं किया? आज लाली बहना योजना लेके आए, 18 साल भी उनकी सरकार थी, आज ही क्यों उनको देखा? ये अभी 2-3 महीने से क्यों देखा, लाली बहना क्यों देखी? इसके पहले कहाँ थे जेलो? सुविधाएं अच्छा, देनी थी तब देते, आज क्या है? हाँ तो तुम समझ में आ रहा है चीज़ कि तुम ये लुभा ना रहे हो पब्लिक को, जितना मूर्ख बना रही है बीजेपी सरकार, एकदम भ्रष्टाखोरी और कुछ नहीं है, मूर्ख बना रही, बिल्कुल ठगी का काम कर रहा है यार। किसी हर आदमी पूछ लो, मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, मामा लगातार किसानों नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। 18 घंटे काम मोदी जी करते हैं, क्या काम करते बताइए आप हमें। अभी चल रहा था बाढ़ से यूनिवर्सिटी चलता है, बोले मोदी जी 24 घंटे काम करते, कभी 365 दिन एक छुट्टी मिली, प्रधानमंत्री को छुट्टी देता कौन है? आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं आप बताइए किस प्रधानमंत्री की एक दिन की छुट्टी है। तो ये जितना काम करते एकदम झूठ फैलाने का काम करते और कुछ नहीं है। बीजेपी के कोई भी देख लो एकदम झूठ झूठ झूठ। अभी मोदी जी आए थे भोपाल में, उन्होंने क्या बोला, रानी दुर्गावती कमलावती स्टेशन कहाँ है भोपाल में, पूरे मध्य पूर्व इंडिया में कहाँ है स्टेशन बताइए, स्टेशन ही नहीं। बताइए रानी दुर्गावती स्टेशन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में कहाँ, पूरे भारत में कहाँ स्टेशन बताइए आप हमें। रानी दुर्गावती स्टेशन हो कहीं तो बताइए, रानी दुर्गावती नाम से कोई स्टेशन ही नहीं है, बताइए कहाँ है।
रानी कमलापत है ये स्टेशन, हबीब गंज का नाम चेंज होके हुआ, वो बोल रहे रानी दुर्गावती की अपार सफलता, कहाँ है वो? दरभंगा में एम्स का बोला था, वहाँ सर्वे हुआ, कहाँ है एम्स, कहाँ है वहाँ पे जमीन, वो क्या निर्माण हो गया? तो अभी मध्य प्रदेश में क्या माहौल है यहाँ पे डबल पार्टी से? कमलनाथ, कमलनाथ, ओनली कमलनाथ, कमलनाथ आ जाएंगे जी बिल्कुल। लोग बोलते उम्र हो गई कमलनाथ की, उम्र से क्या है, उम्र से क्या है भाई, काम तो बराबर कर रहे हैं, सवाए सब कुछ कर रहे हैं, हर कुछ भी देख रहे हैं आप। और जब उनकी सरकार आई थी कर्जा माफ हुआ, और जो लोग झूठ फैला रहे हुआ था कर्जा माफ किसका नहीं हुआ, एक एक लाख रुपए का माफ हुआ कर्जा, कितने का हुआ, जिनको खुद विधानसभा में उनके मंत्री ने बोला है, किसानों का, किसानों का हुआ है, विधानसभा के मंत्री ने खुद बोला है विधानसभा में कि कमलनाथ सरकार ने इतने लोगों को कर्जा माफ किया, लिस्ट लिए उन्होंने खुद दिखाई है। अच्छा क्या जरूरत पड़ गई कि भाजपा अपने मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारे, केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, नरेंद्र सिंह तोमर आ गए, चेहरा ही नहीं बचा उनके पास कोई है सर, कोई चेहरा नहीं, भ्रष्ट सब है सर, कहीं उनको दिख रहा है कि पब्लिक नारा है सभी से, जहां जा रहे जन आक्रोश यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा भी आपने देखी उनकी, कहां पब्लिक थी उसके पीछे भी, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में कितनी पब्लिक रही, ये तो आप लोगों से छुपा नहीं है, रैली पब्लिक नहीं आ रही, कहां थी पब्लिक, अभी महाराजपुर में आमसभा हुई थी, कहां थी, कुर्सियाँ खाली, 100 कुर्सी थी उसमें भी खाली थी, जो महिलाएं थी वो स्कूल में 100 समूह की खाना बनाई थी, वो महिलाएं थी, वो भी दब पिए लेके खड़ी हो गई थी कि हमारी वेतन बढ़ाई जाए। जब रुकेगा अभी जाए, क्या नाम भैया आपका? सुरेश तिवारी। क्या माहौल है यहाँ पे? भाजपा का माहौल है, भाजपा का माहौल, लेकिन टिकट गलत कर दी उनने, टिकट गलत कर दी, ये भैया भाजपा से बहुत नाराज है। फालतू में हम क्या बताएं आपको, कह रहे हैं भाजपा ना रोजगार दे रही है, महंगाई बहुत बढ़ा दी, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कितना क्या किया, क्या किया बताइए, इनको बताइए क्या किया, अब उनको क्या बताएं आप, हमें बताइए, हमें बताइए क्या किया। लाडली लक्ष्मी बाई योजना में पैसा जो 1,000-1,200 रुपये ये डर रहे हैं, लाडली योजना लेके आए, कितने दिन से डर रहे, 18 साल से कहां सोए थे, तब महिलाएं की याद नहीं आई उनको, 18 साल से सरकार है, अभी 2 महीने पहले इसको लेके आए, तो नए नए नियम हो गया, जैसे नियम हो गए, 18 साल में क्या किए, बहुत कुछ किया, बताइए क्या किया, बहुत कुछ किया, चलिए गिन उंगली, 5 काम, 5 काम, 18 साल के 5 काम का बना बड़ा, 18 साल में जो 5 काम आपको शिवराज के बढ़िया लगते हैं वो 5 काम आप गिना दीजिए उंगली पे। अरुण ने बढ़िया काम किया, कोई 5 काम बता दीजिए, 5 काम का बता, 18 साल से सरकार में है, कोई 5 काम तो होंगे, अरे 5 काम भी है, देखो बढ़िया, फर्स्ट क्लास का, किसानों का कर्जा माफ हुआ, किसानों का कर्जा माफ कह रहे हैं, कांग्रेस ने 18 महीने की सरकार थी उसमें, नहीं भाजपा ने किया, भाजपा ने किया, हाँ शिवराज ने किया, कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आपको खुद मालूम है, आप प्रेस वाले, आपको खुद मालूम है किसने कर्जा माफ किया किसने नहीं किया, अभी 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 का आप देखिए, अभी का चल रहा है कि बिजली बिल माफ कर दिया, यही है ना, और नियम क्या है कि बिल वो जो माफ नहीं हुआ रोक दिया गया है, जिसका बकाया बिल है वो आज की डेट में रोक दिया गया है, बाद में भुगतान करना पड़ेगा, तो जनता को इससे पता चल रहा है, जनता को कितना भ्रमित कर रहे हैं ये लोग। चलिए एक काम आपने बताया वो खारिज कर रहे हैं, दूसरा काम प्रत्याशी से नाराज हैं, अगर सही देंगे वो टिकट, प्रत्याशी पे हम बात नहीं करेंगे, शिवराज सिंह चौहान का 18 काम है, दूसरा काम वो कह रहे सही नहीं, दूसरा काम उनको छोड़िए, उनको उनको मत सुनिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, दूसरा काम बताइए, सब सही है भैया, बढ़िया भाजपा में, दूसरा काम उनने रोजगार आदमियों को दिया, नहीं मतलब नहीं पता आपको काम उनका है भाजपा में, काम मैं 18 नहीं पूछ रहा हूँ, केवल 5 पूछ रहा हूँ, 5 काम का बताइए, वहाँ बताओ आप, नहीं बताएंगे, पता ही नहीं, भाजपा का काम काज कैसा लगा आपको? बिल्कुल गलत, खराब काम, इस बार तो सभी लोगों ने मन बना लिया कि इस बार शिवराज को छोड़ के कमलनाथ को पकड़ेंगे, पूरा मध्य प्रदेश उनको मामा कहता है, भांजे मामा जो है भांजे के बड़े चहेते होते हैं, क्या किया, क्या किया हमें आप ये बताइए, कर्जा ले लेके बहनों को, आज बहनें याद आ रही हैं, अभी तक बहनें कहाँ थी, 5 साल 13-14 साल से बैठे हैं, कहाँ थी बहनें आज तक, जब चुनाव चुनाव नजदीक आया तो बहनें याद आ गईं, और जीजा जी याद नहीं आ रहे किसी को, है बेचारे जो बेरोजगार फिर रहे हैं, है? जीजा बेरोजगार फिर रहे जीजा याद नहीं आ रहे, या भांजे ये फिर रहे हैं, रोजगार सरकार नहीं दे रही, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो कमलनाथ दे देंगे इसकी क्या गारंटी है, नहीं नहीं देंगे तो उनको भी उठा के फेंक देंगे, अच्छा हाँ भाई उसने किया है, चेक कर रहे हैं, क्या भैया क्या माहौल लग रहा है इस बार, बढ़िया माहौल, कांग्रेस की लहर लग रही है इस बार, कांग्रेस की लहर लग रही है, अगर कह नहीं सकते, अच्छा कह दो कि पराजा बीजेपी, कोई भरोसा नहीं है, जनता के ऊपर है,
जनता की कभी लहर पलट जाए पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस लग रही है, कांग्रेस की लग रही है। हाँ। क्या चाहते कांग्रेस आनी चाहिए कि नहीं? हम नहीं बता सकते भाई, ये लोग बड़े बड़े लोग बता। भाजपा आपको शिवराज मामा काम कैसा लगा? काम बढ़िया लगा है, बढ़िया काम लगा है। चार पांच काम बता दें। बढ़िया जो है आवास योजना जो चली है ये भी बढ़िया रहा, और जो है अभी जो ये 1,000 रुपए आ रहे हैं वोटों के लिए ये भी बढ़िया लगा हमें। कर्जा ले लेके पैसा दे रहा है वोटों के लिए, कर्जा ले ले पैसा दे रहा है। 1,000 मतलब 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं वोटों के लिए, खरीद रहे हैं क्या वोट? आयो क्या होगा उसका, खरीद रहे हैं क्या? वही तो है, लालच तो है जी। अगर 1,000 रुपए दे रहे हो कह रहे हमें वोट दो, हाँ जी तो है ही, खरीदी कर रहे हैं वोट, खरीदी तो है ही है। अब जो है लो जो है बढ़िया है। आप ये कह रहे हैं कि शिवराज मामा जो है 1,000 रुपए में मध्य प्रदेश की जनता से वोट खरीद रहे हैं? हाँ, अब जो है सरकार जो है बन जाएगी शिवराज सिंह की, लेकिन हम लोगों को दे अगर और तो वर्ग को दे रहे हैं, आदमियों को नहीं दे रहे हैं, तो आदमियों को भी दो तो भाई हम कहेंगे भाई हाँ मामा फिर से जीत जाएंगे। अच्छा, खाली महिलाओं को दे रहे हैं? महिलाओं को दे रहे हैं खाली, हम लोगों को कुछ नहीं दे रहे, सबको दिलवाओ आप लोग। क्या चाहिए आपको बताइए, हम लोगों को भी कुछ दो। अरे आप ही की बहन को दे रहे हैं, आप ही की? हाँ तो क्या होता, वो अपने पास रख लेती है, हमें कुछ नहीं मिलता है। वो कहते जो तो हमारे मामा का है, हमारे भाई का है, हमें का है, बदलेंगे बदलेंगे कि दोबारा भाजपा? भाई जो है अब बहनों के ऊपर है, भाई जो है नाराज है, सब भाई नाराज है, बहन खुश है? बहनें तो खुश है, जीजा जीजा तो सब नाराज है। क्या लग रहा है इस बार माहौल, भाजपा का काम काज कैसा लगा आपको? देखो भाजपा तो ये कहता है कि कांग्रेस का हमने राज देखा है कि मध्य प्रदेश में कहीं सड़कें नहीं थी और किसानों को लाइट नहीं थी। बाकी शिवराज जो सरकार जब से आई है तब से किसान को ये परेशानी नहीं है, रात को नहीं तो हम लोग सो ही नहीं पाते थे। अच्छा, अध घोषित कत होती थी पता ही नहीं, 4 घंटा को जा रही, 6 घंटा को जा रही, ये कांग्रेस के शासन में रहा। पिछली बार जनता ने उनको मौका फेंक दिया था, कांग्रेस को उन्होंने 2 लाख का कर्जा माफ करने के लिए किसान का कह दिया था। राजीव राहुल गांधी ने ये कहा था कि सरकार बैठती हम 15 दिन के अंदर सब किसानों का कर्जा चुका देंगे। अब उसके बाद 2 साल तक उनकी सरकार 1.5 साल रही, किसी भी किसान का कर्जा जो 40 हजार का था 25 हजार का था वो कर्जा तो चुका। लोग बता रहे कि 18 महीने में कई किसानों का कर्जा माफ हुआ, हम बता रहे ना आपको 25 हजार 40 हजार से ऊपर किसी के नहीं हुआ। 2 लाख का उन्होंने वादा किया था, उसमें ये हुआ कि यहाँ 50 किसान डिफाल्टर हो गए, जिसने पैसा नहीं दिया उस 2 लाख रुपए उसको बैंक। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं कि भाजपा दोबारा आ जाए? हमारा ये है कि जो जिसने काम किया है, जैसे शिवराज भाजपा ने काम किया है जी, सारे रोड देखिए आप, जहाँ 2 घंटे लगते थे वहाँ आधे घंटे में पहुँचिए आप। दूसरी बात ये है कि शिवराज का चेहरा नहीं चाहते थे लोग, बात मामा का चेहरा नहीं चाहती जनता, इसलिए जो उनका चेहरा चाहती है जनता चाहती है कि परिवर्तन हो जाए इसमें, बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाए, चेहरा बदल जाए। किसको चाहते हैं? तो उसमें से क्या तो कैलाश विजयवर्गीय हो जाए, अच्छा। प्रहलाद पटेल हो जाए, नरेंद्र सिंह तोमर हो जाए। वो जो कार्ड मोदी जी ने कल फेंक दिया है, अच्छा। 2-3 मंत्री बुला लिए वहाँ से, 3 सांसद बुला लिए, शिवराज को अलग कर दिया। सिंधिया को चाहते हैं कि नहीं? सिंधिया तो अभी उनको तो मौका ही नहीं में आया इनका, क्या अभी यहाँ से दे रहे हैं टिकट कि नहीं दे रहे हैं, शिवराज को टिकट मिलना ही नहीं है, ये तो क्लियर होगा केंद्र में जाना उनको। अच्छा, चेहरा तो बदलेगा, चेहरा बदलेगा, चेहरा बदलेगा तो बीजेपी आ जाएगी। अच्छा, चेहरा बदलेगा मुख्यमंत्री की तो बीजेपी बीजेपी आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों कि इनने क्या किया, आवास योजना है बहुत मजबूती से दिया, हमारे गरीब मलेरा में 1700 मकान, आवास योजना तो बहुत पहले चली आ रही, इंदिरा आवास योजना बहुत पहले, इंदिरा उनने अपना नाम दिया है, इनने तो बस नाम बदल दिया, इनने तो पूरा अपने मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री योजना, जैसे अटल जी आए थे तो हर आज विकास कहाँ से हुआ, गांव तक सड़कें पहुंची हैं। और जब गांव का किसान शहर में सब्जी बेच, जहां 5 घंटे लगते थे उसको आते गली मलहला के लिए 15 मिनट में आ जाता है। कांग्रेस की सरकार थी कुछ नहीं हुआ, ना लाइट आती थी ना सड़कें थी, 18 साल में पूरा मध्य प्रदेश का परिवर्तन भाजपा ने कर डाला, शिवराज ने कर डाला। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं था मध्य प्रदेश में, खंडर था, नहीं कांग्रेस गल था पूरा, या विकास किया कांग्रेस के समय में। श्रीमान जी बीजेपी के शासन काल में किसानों को टाइम पे खाद उपलब्ध नहीं करा पाती ये सरकार। अगर आपको बोने वाला खाद चाहिए तो आपको छिड़कने वाला मिलेगा, और जब छिड़कने वाला चाहिए तब बोने वाला ले लो।
क्या है जी? समय पे नहीं मिल रही। किसान परेशान है, किसान परेशान है, खाद समय पे नहीं मिलती। मिलता सुनो, खाद पे जवाब, बाकी उसमें लाइट नहीं मिलती थी, खाद पे खाद भी चला जाता। जवाब मैं क्या मांग रहा हूँ, खाद पे जवाब दे दीजिए। खाद ठीक मिलता किसानों को, टाइम से मिल जाता। आलसी किसान है, वहाँ परेशान आलसी है, किसान आलसी है। किसान आलसी कैसे हो सकता है चाचा जी? किसान कहाँ आलसी हो? अगर किसान आलसी होगा तो फिर कर्म करने वाला कौन होगा? ठीक है किसान। क्या क्या भैया, क्या नाम? शशिकांत चौरसिया। क्या इस बार मध्य प्रदेश में माहौल लग रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस कुछ नहीं, कांग्रेस सही है, कांग्रेस सही है, कांग्रेस है। हाँ क्यों कांग्रेस? क्यों होंगे यार, कांग्रेस अच्छा है। इतना सब बढ़िया काम कर रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, सड़कों का जाल भाजपा ने बिछा दिया। काय का सड़कों का जाल भाजपा ने? नहीं पगला होगा। मम्मा अपनी बहनों को 1000 दे रहा है, बिजली का बिल बिगाड़ के 2500 ले रहा है। अच्छा हाँ, 1000 दे रहे हो तो बिजली के बिल 2500 रुपए ले रहे, 2500 रुपए ले रहे। दीदी खुश हो गई, जीजा खराब होगा। चलिए एक बार सबसे पूछ रहे, जितने लोग यहाँ मौजूद है, की कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस या भाजपा? क्या लग रहा है भाई? कांग्रेस या भाजपा भी है? कांग्रेस। तो हम लोग छतरपुर जिले में हैं, ये महाराजपुर विधानसभा है, मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत नजदीक हैं। आप लोगों ने तमाम लोगों की राय सुनी, कुछ मिली जुली राय, लेकिन अधिकतर लोग कांग्रेस को चाहते हैं कि 18 साल बहुत ज्यादा समय हो गया, इस बार बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस वापसी करे, कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाए और एक बार कांग्रेस को देखना चाहते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से काम करके दिखाती है। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।